तो हेलो गाइस, क्या आपको भी एक बजट में मोनी रेजर चाहिए? तो मोनी रेजर क्या होती है वो एक शॉर्ट वर्णन में आपको बता देता हूँ। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं जो अपना वर्क करते हैं वो यूज़ करते हैं मोनी रेजर, जो कि अराउंड मार्केट में 200 से 300 रुपये की आती है। तो वो इरेजर हम परचेज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं अपना बजट नहीं होता उसे परचेज करने का। तो मैं लेकर आ चुका हूँ एक बजट में मोनो इरेजर, जिसका यूज़ करके हम प्रोफेशनल भी वर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पेंसिल, जो कि अराउंड 10 रुपये की मार्केट में मिलती है। उसमें 1.1 mm का एक लीड मिलती है पेंसिल, ग्रेफाइट वाली। तो हम इसी का यूज़ करके बनाने वाले हैं। इस लीड को निकाल देंगे और यहाँ पे लगाएंगे मोनो इरेजर के लिए टिप। तो टिप बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम एक फेविक्यूब, और फेविक्यूब को यूज़ इसलिए कर रहे हैं हम, वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो चलो गाइस वीडियो पे चलते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये है हमारी पेंसिल, वो जो हम यूज़ करने वाले हैं। ये हमारी मोनो इरेज़र जो डूम्स की आती है वो है, जो कि काफ़ी बड़ी है। तो इसकी लीड का यूज़ करके बनाने वाले हैं हम मोनो इरेज़र की टिप। इससे मैच करके हम काटने वाले हैं। अगर ये मैच नहीं होती तो उसके अंदर नहीं जाएगी। तो हम पहले इसे काट लेते हैं, फिर बनाएंगे इसकी टिप। तो टिप बनाने के लिए इसे दो पीस में काट लेते हैं बीच में से, और इसमें से भी कई सारे पीस करके हम बनाएंगे मोनो इरेज़र की टिप, जो कि काफ़ी बारीक होने वाली है। तो बारीक करने से पहले इसे हम बीच में से छील लेते हैं, क्योंकि ये ठीक से बनी नहीं है। तो हमें चाहिए ग्रेफाइट लीड जितनी बारीक। तो हम कर लेते हैं इसे साफ। तो गाइस, जब तक मैं साफ कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है। तो गाइस, हाँ, मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तब तक हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। तो इससे हमने मैच कर लिया, बिल्कुल सेम सेम साइज़ है। तो इस पे डाल देते हैं हम फेविक्विक। डालने से पहले ये याद रखना गाइस, सेम साइज़ होना ज़रूरी है, नहीं तो ये ठीक से बनेगा नहीं और आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो मैंने इस पे फेविक्विक डाल लिया, और लगभग मैं इसे सुखाने वाला हूँ, तो ये सूख जाने के बाद टाइट हो जाने वाली। तो हम इसे डाल के ट्राई करने वाले हैं। तो हमने ये डाल लिए फटाफट।